मैं तसद्दुक अहमद, डिविजनल फायर ऑफिसर, फायर एमरजेंसी हेडक्वार्टर, श्रीनगर। तो सर, आज यहाँ पे बुलेट डोनेशन का कैंप हो रहा है, अभी ये बताइए कि क्या ये महज जो यहाँ पे सर्विस करते हैं उनके लिए है या आम लोग भी इसमें शिरकत कर रहे हैं? देखिए, बुलेट डोनेशन कैंप के हवाले से मेरी यही गुजारिश होगी, दिस इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मेडिकल ऑफिसर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज श्रीनगर डॉक्टर इब्रार बशीर। उन्होंने इसके लिए सुझाव दिया है और डायरेक्टर जनरल फायर एंड एमरजेंसी सर्विस आलोक कुमार जी एज वेल एज प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैज़ बीन काइंड एनफ टू द ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव आल्सो कंसेंटेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कैंप। उस हवाले से आज का कैंप मुनक्द होने जा रहा है, इसमें सब जवान और अफसर लोग जो डिपार्टमेंटल है सिर्फ और सिर्फ वही शिरकत कर रहे हैं। ये जो हम खून का अतिया दे रहे हैं, ये हमारा वेलफेयर फैमिली का भी होगा एज वेल एज जवान एंड ऑफिसर्स की फैमिली के लिए भी होगा। क्योंकि आपको पता है, आपके माध्यम से हम आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, फायर एमरजेंसी का जो मोटिव है वो इज सर्व टू सेव, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम पेश रहते हैं, चाहे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे रेस्क्यू हो, चाहे फायर इंसिडेंट्स हो, हम हमेशा पेश रहते हैं। और जब ऐसे फलाही काम हुआ करते हैं तो हम इसमें भी पेश रहा करते हैं। ये चीज़ें मद्देनज़र रखकर आज का जो कैंप हुआ है, इसमें 100 से ज़्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं और दूसरा डेट भी इसके लिए हमने मुनक्कद किया है, क्योंकि दे आर गोइंग टू टेक द ब्लड फ्रॉम 100 पीपल। अनदर कैंप इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन नेक्स्ट डेट, दैट विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। थैंक यू वेरी मच। सर, अभी हमने देखा कि यहाँ पे खवातीन भी खून का अतिया दे रही है, तो थोड़ा सा वजाहत करेंगे, क्या ये आपके ही डिपार्टमेंट की खवातीन है जो यहाँ सर्विस करती है? जो खवातीन हजरात यहाँ पर तशरीफ ले आए ब्लड डोनेशन के लिए, वो डिपार्टमेंटल लोग हैं जो हमारे दफातर में काम कर रही है, तो इनके भी डिफरेंट रैंक है, जो ऑफिसर भी है और अपर सबॉर्डिनेट भी है और लोअर सबॉर्डिनेट भी है, लेकिन है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस से। क्या आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पहले जो ब्लड डोनेशन हुआ करता था तो इसमें इंसान कतराता था, लेकिन ऐसा वक्त है कि बिना किसी खौफ के अब खून का अतिया लोग पेश करते हैं? देखिए, हर चीज़ में एक तरीक़ाकार हुआ करता है। मैं आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जब हम फायर के हवाले से बात करते थे तो लोगों को सुझाव नहीं था कि जो आप एलपीजी के फायर घरों में हुआ करते थे, एलपीजी के या इलेक्ट्रिक फायर हुआ करते थे, आपने कैसे प्रिकॉशन, कौन से प्रिकॉशन लेने हैं तब ये फायर इंसिडेंट पर काबू कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, स्कूल्स में, हर जगह दी है, जिसकी वजह से फायर का लोड कम हुआ है और लोग खुद फाइट कर रहे हैं, जो इनबिल्ट फायर फाइटिंग सिस्टम है या फर्स्ट एड फायर फाइटिंग सिस्टम। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कोट की, जब तक इनको पूरी अवेयरनेस नहीं हुई, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर साहब हैं उन्होंने एक कंपेन चलाया, उन्होंने एक मैसेज डाली हमारे ग्रुप, उसमें तो लोग वॉलंटियरली आ गए कि इससे बजाय कोई नुकसान, इनसे बहुत सारे फायदे है, जो आपका गंदा मवाद है वो भी बाहर निकलेगा और विद इन 48 आवर्स यू कैन रिप्लेनिश योर बॉडी विद द रिक्वायर्ड ब्लड विच यू हैव डोनेटेड टू द कैंप। सर,